कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लाडू श्याम किशोरीज फैमिली में। लाला रेडी हो गए हैं और सब काम हो गया है लाला का। लाला का भोग भी लग गया है और मेरी माला भी हो गई है। अब बस सफाई होगी घर में और बच्चे स्कूल गए हैं। आंशी का काज एग्ज़ाम है और इधर चल रहे हैं भजन। और बाबू भी स्कूल गया है। अब बस इस वीक और जाएंगे, उसके बाद उनकी छुट्टियां पड़ जाएंगी। सब बच्चों की पड़ चुकी हैं ऑलमोस्ट, बट हमारे इस बच्चों के स्कूल में थोड़ा लेट हो रही हैं छुट्टियां। गर्मी भी बहुत पड़ रही है आजकल। जी गोला मिश्री का प्रसाद खाइए, ये लाला ने दिया है हमें गोला मिश्री का प्रसाद। मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है, थोड़ा गंदा सा हो गया है। मंदिर को साफ करूंगी और लाला के कपड़े वॉश करूंगी। बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं लाला के कपड़े। और आज इन्होंने शर्ट पहनी है, आज पहने इन्होंने शर्ट एंड पजामा अपना। और लाडू के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, लाडू के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, पर राम जी के पास उतने नहीं हैं एक्स्ट्रा। लाडू के पास तो इतने सारे हैं कि खत्म ही नहीं होंगे, कभी 1 महीने तक चल जाएंगे। 25 20 25 25 में बहुत सारे, ढेर ढेर, इतने बड़े डब्बे में ढेर ढेर कपड़े हैं उनके। तो राम जी के थोड़े कम है अभी। मैं सोच रही थी अब की बार गर्मियों के कपड़े लाला के आए नहीं हैं, तो देखते हैं किसी दिन लेके आएंगे, क्योंकि खाटू श्याम हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि मोस्टली हम खाटू श्याम से ही लाला के कपड़े लेके आते हैं। तो अभी हम खाटू श्याम तो जा नहीं पा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही, मतलब गोलू पापा तो जाते हैं, बट देखती हूँ या तो यहीं से लेके आऊँगी मार्केट से किसी दिन। इतनी दूर नहीं ट्रैवल करना करा जाएगा मेरे से, तो किसी दिन यहीं से लेके आऊँगी। अब की बार गर्मियों के कपड़े इनके आए नहीं हैं। पिछली बार तो मैंने बना भी दिया था कपड़े, बट अब की बार मैं सिलाई भी नहीं कर पाऊँगी, बना भी नहीं पाऊँगी इनके लिए। हेलो गाइस, मैं जिम में पहुंच चुका हूँ। नाउ आई एम डूइंग बैक वर्कआउट। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, डंबल बेंट्रो फॉर द बैक, 50 kg ईच डंबल, टोटल 100 kg। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जिम जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। वर्कआउट इज द बेस्ट थेरेपी फॉर बॉडी एंड माइंड एज वेल एज। थैंक यू। ये देखो, ये सूख रहे लाला के कपड़े। आज मैंने लाला के सारे कपड़े धो दिए हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही धो देती हूँ लाला के कपड़े और यहाँ सुखा देती हूँ। और इसे देखो, क्यूटी पाई को, ये हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर है। आपने इसे शायद पहली बार देखा होगा चैनल पे। तो ये अंशिका की सिस्टर है छोटी, यानी मामू की लड़की, यानी कि मेरे भाई की लड़की। शाम्बी शानवी नहीं है बेटा, ये लक्षिका है। प्रियांश कंफ्यूज हो जाता है शानवी में और इसमें, क्योंकि दोनों सेम सेम लगती हैं। शानवी है मेरी बहन की लड़की और ये है भाई की, बस कुछ महीनों का फर्क है दोनों में। क्या मस्त खेल रही है शैतान बच्चा मेरा, कैसे खेल रहा है बाबू दीदी गोलू तो बाबू जाते स्कूल से और मैं जल्दी आ जाता हूँ। हाँ, ये वीडियो आई हुई थी तो मैंने सोचा इसको डाल देती हूँ, बड़े मस्त लग रही थी ये खेलती हुई। तो गाइस, मम्मा अभी कुछ बोल नहीं रही, यहाँ पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, इसलिए। अब ये देखो शैतान बैठने भी लगी है। ये 6 महीने की हो गई है, 6 महीने की अभी हुई है, शायद 6.5 महीने की हो गई है बैठने। 6 महीने की, हाँ बैठने लगी है अभी। छाल योर
यार मैं मोदी जी से नाराज हूँ, क्यों क्या हुआ? कल यार मैंने उनको फॉलो किया और उन्होंने अभी तक फॉलो बैक ही नहीं दिया। देखो प्रियांश ने क्या कर रखा है, सारे पिल्लोज लाके जमा कर लिए हैं यहाँ पे, पिल्लोज की दुकान खोली है प्रियांश। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, कोल्ड कॉफी पी रहा है। देखो कैसे दख के कोल्ड कॉफी पी रहा है शैतान। लाला के नीचे बैठ के, मंदिर के नीचे बैठ के। गुड 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 गुड, पियो पियो। देखो अब हमने ना साइकिल यहाँ पे रख दिया है, इसको बार बार आना जाना होता है। हाँ, यहीं पे एंट्री से यहीं पे रख दिए, बट इसको धोते रोज है अभी भी। टेबल ऐसे कर दिए, चेयर सारी यहाँ लगा दिए और उधर लगा दिया है साइकिल। आप कौन है बालक, क्या चाहते हैं? साइकिल। वो क्या होती है? साइकिल। व्हाट इज साइकिल? साइकिल इज दिस। नहीं, साइकिल हमारी बॉडी बिल्डिंग में इंजेक्शन लगवाने को कहते हैं। साइकिल चल रही है, साइकिल साइकिल। क्या लायो? एक्चुअली यार मैं 2 ट्रे अंडे लेके आया था। कल मैंने एग्स नहीं खाए थे क्योंकि परसों बहुत ज्यादा गर्मी थी और कल मेरे साथ उल्टा हो गया। गर्मी नाम की चीज नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी। मैं साइकिल चला के आया। मैंने आज अंडे उबाल के, अगर पार्किंग खाली नहीं हो साइकिल चलाने के लिए तो हम वापस आ जाएंगे जल्दी। मिलते हैं, सी यू, बाय, टेक केयर, बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। तो 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया और फिर एडिटिंग भी नहीं करी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं हफ्ते में 2 वीडियो तो डालूंगी, यानी मंडे को और थर्सडे को वीडियो आएगा सुबह 10 बजे। आज थर्सडे ही है, मैंने मंडे को तो वीडियो डाला था, ट्यूसडे वेडनेसडे और आज थर्सडे है, तो मैं सोच रही हूँ थर्सडे को डाल देती हूँ अभी एडिट करके। ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं गया है वीडियो, तो अब मैंने सोचा है कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो तो डालूंगी। पहले एक हफ्ते मैंने रेगुलर वीडियो रखा था तो इतना नहीं हो पाता है क्योंकि रोज डालते हैं तो फिर बस वही रोज का रूटीन होता है। अब कहीं बाहर जा भी नहीं पा रहे हैं ना हम, इतना ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग था हमारा, इधर उधर घूमते ही रहते थे, इधर उधर जाती रहते थे, तो वीडियो बहुत अच्छी अच्छी बन जाती थी। मैंने सोचा है कि हफ्ते में दो वीडियो डालूंगी, यानी कि एक मंडे को आएगा और एक थर्सडे को आएगा, और आज थर्सडे है तो मैं अभी इसको एडिट करके डाल देती हूँ। आज का थोड़ा लेट शेट हो जाएगा, बाकी मैं सारे कोशिश करूंगी कि मंडे और थर्सडे को सुबह 10 बजे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और ये लोग भी आ गए हैं। क्या हुआ? पार्किंग में जगह तो थी पर किससे चोट लगी? कहाँ? देखिए ये सारा खून मैं पी चुका हूँ। बहुत ज्यादा खून पी लिया आपने? वो निशान आ रहा था जी। गांव में रहते थे ना, चोट लग जाती थी तो चूस जाते थे। हाँ, उल्टा अपने अंदर ही ले ले खून को, बाहर नहीं जाना चाहिए। वो भी अपना खून। हाँ। यहाँ पे साइकिल रख के कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है, आधी अंदर को सारी। मुझे तो स्टैंड लग रहा है, स्टैंड भाई साहब, स्कूटर है उसकी, साइकिल। और प्रियांश क्या हालचाल है आपका? क्या हालचाल है किसका? वही खाल है आपका? मेरा है? मेरा तो बस ऐसा ही है, बस चल रहा है। क्या हालचाल? बस चल रहा है। दर्शन का हालचाल? गाइस हमारे पास तूफान आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। तूफान आप समझते हो तूफान का मतलब? ये भी कोई समझने वाली बताने वाली बात है ही क्या? गोलू द ग्रेट? यस, गोलू द ग्रेट। अभी तक शांति है जब तक घर में, क्या बिल्डिंग में? हाँ बिल्डिंग में। गाइस मेरा हाल चाल भगवान का है, कुछ भी बोलता रहता है ये। पहले यहाँ होती थी साइकिल और ये अलमीराज होती थी यहाँ पूरा इधर ऊपर तक, क्योंकि अभी कुछ सेक्शंस मैंने इनके ऊपर से हटा के अलमारी में रख दिए यहाँ ऊपर। इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा शांति कहाँ मिलती है?
एक ही जगह कमेंट करके बताइए, यहाँ पे वो सब दुख सुख दुख भूल जाता है। कहाँ जहाँ पे आप हो सब समझते हैं आप कहाँ पे हो। मैं मम्मी थोड़ी देर से खाद बिछानी। खाट बिछानी है, शाम को बिछाएंगे। एक्चुअली हमने यहाँ पे कल गोलू के लिए अलग से खाट बिछा दी थी। खाट मतलब वो हमारे यहाँ पे खाट बोलते हैं, वो जो होती है ना गांव में खाट, वो बट वो खाट नहीं है, वो फोल्डिंग है, बेड फोल्डिंग बेड हमने ट्रेवलिंग के लिए लिया था, तो वो बिछा दी थी अलग से यहाँ पे। तो गोलू उस पर मजे से सोई थी क्योंकि हम सारे इस पे आ नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि आधा बेड गोलू पापा ही घेर लेते हैं ना, इसलिए इसको देखो। हेलो लाला दिखा, इसका शैतानी देखो पूरा क्या बिखेरा मचा रखा है। लाला देखो, हेलो क्यूटू, ये शैतान बच्चा क्या कर रहा है प्याला छा। गाइस आपको एक चीज दिखानी है, बहुत मजेदार चीज बहुत मजेदार चीज। देखो मेरा बाबू की देखो ये ना, ये इनके कड़े अच्छे से बन नहीं पाए, मैंने ऐसे बांध रखे हैं, ये देखो ये ऐसे बांध रखे हैं मैंने, एक रबड़ है इलास्टिक सी, जिससे इनको थोड़ा लूज रहे और चुभे नहीं, ऐसे लूज रहे, ये हमने बनवा रखे हैं। बट इनका हुक में बनवाऊं तो फिर लगाऊंगी कैसे, इसलिए मैंने ऐसे ही इनको बनवाया है। अगर हुक लगाऊंगी तो थोड़ा लूज रखना पड़ेगा, और फिर लूज रखेंगे तो फिर ये निकल जाएगा, इसलिए मैंने इलास्टिक बांध दी है। निकालने में भी थोड़ा बड़ा हो जाता है इलास्टिक। यहाँ से देखो खोल के रखेंगे शर्ट को। हे क्यूटी, हेलो बाबू, गाइस आपको मजेदार चीज सिखानी है। मजेदार क्या है? नीचे गलम उम्मीद है। अरे ये क्या है? पानी बंद करो। तो अब हम यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, और मैं इसे एडिट करके आज डाल देती हूँ क्योंकि आज थर्सडे है। बाय बाय कर दो। बाय गाइस, बाय एवरीवन राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।